एक तरफ प्रियंका वाड्रा यूपी में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर योगी सरकार पर निशाना रखती हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा के इस विरोध की हवा उन्हीं की पार्टी के नेता ने निकाल दी। असल में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाले पैनल ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर काबू पाने के लिए न सिर्फ योगी सरकार की तारीफ की बल्कि इस मामले में यूपी मॉडल को अपनाने की सलाह भी दूसरे राज्यों को दे डाली। आनंद शर्मा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और साथ ही यूपीए काल में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। हाल ही में उनके नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने यूपी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कई विभागों को मिलाकर एक सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना से लेकर उठाए गए अन्य कदमों की सराहना की। संसदीय समिति ने अन्य राज्यों को भी सलाह दी है कि वो यूपी सरकार से सीखते हुए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए इससे संबंधित सभी विभागों के बीच तालमेल बिठाएं ताकि वो समन्वय बनाकर कार्य कर सकें। यूपी सरकार के एक नेता ने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश अब अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा है। राज्य ने हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स की स्थापना कर रखी है ताकि हिंसा पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाई जा सके। इससे 1,04,859 महिलाओं को अब तक लाभ हुआ है। इन सेंटर्स में अस्थायी शेल्टर और मानसिक काउंसलिंग से लेकर कानूनी मदद और मेडिकल इलाज की भी व्यवस्था की जाती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सजा भी कड़ी से कड़ी दिलाई जाती है जिससे बलात्कार जैसी घटनाओं में कमी आए। लेकिन इन सबके बावजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का मजाक बनाते हुए बेटी बचाओ की तर्ज पर अपराधी बचाओ कहकर आलोचना करते हैं। उन्नाव में दो लड़कियों की हत्या के बाद उन्होंने दलित कार्ड खेलने की कोशिश की थी। उन्होंने यूपी सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए थे, राजनीति की थी। प्रियंका ने तब कहा था कि महिला सुरक्षा के लिए सीएम योगी ने कुछ नहीं किया। योगी सरकार कन्या सुमंगल योजना भी चला रही है जिसका फायदा 7 से 8 करोड़ लड़कियों को मिला है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपनी आय अर्जित कर सके। साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को ऑपरेशन दुराचारी चलाने की सलाह दी है। इसके तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले हिस्ट्री शीटर्स के पोस्टर्स सड़कों पर लगाए गए। सीएम योगी ने कहा कि लोगों को ऐसे अपराधियों की हरकतों के बारे में पता चलना चाहिए ताकि इन अपराधियों का नेम एंड शेम हो सके। महिलाओं का पीछा करने वालों के लिए एंट्री रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।